किया है? तो क्या ले मेरे प्यारे भाई लोग, तो भाई लोग कल वाले वीडियो में जो बंदे बोल रहे थे भाई थोड़ा सा एनर्जी लाओ, तो भाई आप जल्दी बताओ कमेंट करके क्या लगता है एनर्जी है क्या? अरे भाई एकदम फर्स्ट क्लास, अब तुम चिंता मत करो, एकदम फर्स्ट क्लास एनर्जी और अच्छा खासा वॉइस ओवर करने वाला हूँ जो कि आप लोग को देखने में भी और सुनने में भी और सब में मजा आने वाला है। तो बस सीन क्या होता है, मैं बग्गी लेके जैसे ही निकल रहा होता हूँ और यहाँ पर मेरी बग्गी कहाँ जाके फंस जाती है, पर तुम चिंता मत करो, जो मेरी बग्गी फंसी है ना वो आगे मेरे लिए बहुत काम आने वाली है। वो क्यों बोल रहा हूँ, पूरा बेड़े देखो, बड़ा मजा आने वाला। और आपने इंट्रो देख ही लिया था कि भाई वो सीन तो बड़ा ज्यादा कुछ खतरनाक था, पर कोई बात नहीं, यहाँ पर दो गेम प्ले होने वाले हैं, वो भी प्यारे से गेम प्ले होने वाले हैं। अब मैं यस ना में आता हूँ, काफी सारा यहाँ पर लूट वूट करने के बाद मैं आगे निकलता हूँ, तभी मुझे सामने ना एक बंदा मतलब स्पॉट होता है। तो मैं सोचा अच्छा मौका, उस बंदे ने मेरे को देखा नहीं था तो इसलिए मैं इस बंदे पे यहाँ पर पुश कर देता हूँ। और सबसे मेन चीज क्या होती है ना, कभी भी ध्यान रखना, कभी बंदे से तुम क्लोजिंग कर रहे हो ना तो पहले ना बंदे का फुट सुनो, क्लियर फुट सुनने के बाद यहाँ पर उस बंदे पे नेड बेड मौली का ट्राई करो। और यहाँ पर एक बंदे का कमेंट आया था, वो भी मैं बताऊँ क्या आया था। उस बंदे ने बोला कि भाई मैं मतलब एंटर जोन में कैसे करूँ, यहाँ पर प्लस भी कैसे निकालें, क्योंकि यहाँ पर एंटर जोन भी नहीं कर पा रहे और पहले रोटेशन से पहले ही मुझे यहाँ पर बंदा मार दे रहा है। तो पहले यहाँ पर इस बंदे को मारने के बाद तुमको अच्छी तरह वहाँ पर मैं समझाने वाला हूँ। तो यहाँ पर तो मैंने एक नेड करा, दूसरा नेड इधर करा, उसको जैसे मैं ऊपर देखता हूँ, मैं देखता हूँ बंदा है कहाँ, तभी मैं समझ गया था आ बैठ यहाँ बैठा भाई। एक और फिर मैं यहाँ पर मौली करता हूँ, मौली मैंने इसलिए करा था मुझे लगा ये बंदा बाहर आएगा मारने के लिए, पर भाई बंदा आता ही नहीं है। मैं यहाँ पर एक और नेट करता हूँ, मतलब तुम देख रहे हो तीन चार नेट करने के बाद मौली करने के बाद भाई बंदा ही नहीं मर रहा यार, मैं क्या करूँ। अब मुझे भाई मजबूरन क्लोजिंग करनी पड़ती है, तो मैंने सोचा एक और नेट है भाई ये ट्राई कर लेता हूँ, उसके बाद यहाँ पर इस बंदे से क्लोजिंग कर दूंगा। अब यहाँ पर जैसे तैसे इस बंदे को मारने के बाद ना मैं लूट वूट लेके डासे लेके गैराज में यहाँ से निकल जाता हूँ। और जो बंदे का कमेंट आया था वो बंदा ये बोल रहा था भाई हम लोग एंटर जोन कैसे रोटेशन पे मर जा रहे हैं और प्लस ही निकल रहा है, तो उसका कहने का मतलब यही था। तो यहाँ पर मैं अच्छी तरह समझाने वाला हूँ, कभी भी हमेशा याद रखना गेम में एक बार ये देख लेना कि अगर चीटर आ रखा है ना तो भाई पहले से सेंटर नहीं पकड़ना आप लोगों को, आप अच्छी खासी यहाँ पर बैंडेज वैंडेज एम पैनकले सब कुछ उठा के अपना हेल्थ विटल करना है, उसके बाद यहाँ से हम लोग को आगे निकलेंगे। अब कभी भी आपको लगता है गेम में चीटर नहीं है तो भाई मैं तो जो मैं करता हूँ वो आप भी कर सकते हो। मैं पहले से यहाँ पर सेंटर होल्ड कर लेता हूँ और यहाँ पर लास्ट में किल भी निकाल लेता हूँ, तो आप भी ये भी यहाँ पर चीट ट्राई कर सकते हो। और बाकी का जो भी कुछ आपको यहाँ पर पूछना होगा तो भाई मैं आपको इजी तरीका बता रहा हूँ, कि लगता है कि आपको यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आ रहा अच्छी तरह, मैं यहाँ पे हो सकता है मैं अच्छी तरह नहीं समझा पा रहा हूँ ना, फिर भी आप यहाँ पर मेरे को इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो। मैसेज करने के बाद ना आप मैं उसको अपने मतलब बीजे में ऐड दूंगा एंड मेरे पे ऐड होने के बाद उसको मैं अच्छी तरह यहाँ पर लॉबी में समझा दूंगा। और बाकी का जो डिस्क्रिप्शन में अपने इंस्टा का लिंक मैं यहाँ पर दे दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर इस बंदे पर मैं नेट वेट करने के बाद ना मैं सोचता हूँ भाई ये बंदा तो मरने वाला नहीं है, क्योंकि मैं इस बंदे से यहाँ पर क्लोजिंग कर लूँ। अब जैसे इस बंदे से यहाँ पर क्लोजिंग करने वाला था तो यहाँ पर कुछ गलती सीन होने वाला है ना, वो भाई देख के जाओ। अब जैसे मैं इस बंदे यहां पर नेड करने वाला था, अब नेड थोड़ा पहले फूट जाता है, मुझे लगा इस बंदे से क्लोजिंग करता हूं, तभी मुझे पीछे से कोई बंदा यहां पर टैप टैप करके मार रहा था। मैं जैसे तैसे यहां पर कवर में आता हूं और मैं इस बंदे से क्लोजिंग कर देता हूं, या तो ये मरेगा या फिर इधर मैं मरूंगा। अब यहाँ पर इस बंदे को ग्रोजा था अच्छे खासे हेड पड़ गया, तो यहाँ पर मेरी एचपी भी काफ़ी डाउन हो गई थी। मैं यहाँ पर तुरंत हेल्थ लेता हूँ, स्मोक करने के बाद यहाँ पर क्रेट बेड पे लूटने के बाद यहाँ से बग्गी लेके उस बंदे पे निकलता हूँ जो मेरे से पीछे से टैप टैप कर रहा था। मुझे एक पल को लगा हो सकता है बंदा कहीं पर लेटा पड़ा होगा, पर यहाँ पर तो भाई कुछ गलती सीन होने वाला है, मेरे साथ नहीं भाई उस बंदे के साथ होने वाला है। वो क्या बोल रहा हूँ वो देखो, बग्गी घुमाता हूँ, बंदा चेक करता हूँ, कोई नहीं दिखता, तभी मेरे को पीछे से स्प्रे आता है, तो मैं समझ गया था ये बंदा किधर है। तो मेरे सीधे सामने बंदा भी स्पॉट हो चुका था, मुझे लगा हो सकता है चलो क्लोजिंग फाइट लेंगे, पर यहाँ पर कुछ ये होता है। भाई यार खतरनाक ही भाई बेचारा, मतलब क्या बोलूँ मैं इसको। अब यहाँ पर इस बंदे को मारने के बाद लूट वूट करता हूँ और लूट लेने के बाद यहाँ से बग्गी लेके निकल जाता हूँ।
अब जैसे मैंने आपको बोला था शुरू शुरू में जो मेरी बग्घी फंसी थी वो आगे जाके क्यों काम आने वाली है, वो सीन देखो। मैं बग्घी लेके यहाँ से निकल रहा होता हूँ तभी मेरी बग्घी तक पड़ जाती है और यहाँ पर तुम बग्घी का हेल्थ तुम देख ही सकते हो कितना ज़्यादा डाउन हो चुका था। अगर यहाँ पर अच्छा खासा एक बंदे ने स्प्रे ले लिया ना तो ईजी फोड़ देगा बग्घी को और बग्घी के साथ अरे मैं भी फोड़ जाऊँगा। तभी मेरे को अपने सामने बग्घी दिखती, इसको भाई टक्कर मक्कर मारने के बाद अपनी बग्घी लेके यहाँ से निकल जाता हूँ। देखा भाई, मैं बोला था भाई काम तो आ गया, कसम से मज़ा आ गया। अब बग्घी लेके यहाँ से जैसे ही निकल रहा होता हूँ तभी मेरे को सामने बग्घी स्पॉट होती है। अब मैं इस बंदे का पीछे करने लगता हूँ तभी ये बंदा सामने डासे वाले बंदे को जैसे स्प्रे लेता है डासे वाला, उस बंदे को कुचल के घर में अंदर निकल जाता। तो मेरे को सामने देख गया था वो बंदे की HP अच्छी खासी डाउन है जो कि बग्घी वाले की। जैसे ही बंदा अंदर घुसता है मैं यहाँ पर तुरंत इस बंदे पे नेट वेट करता हूँ। यहाँ पर मेरे को क्लियर साउंड आ चुका था, ये बंदा यहाँ पर जंप कर दिया और यहाँ पर इस बंदे को मारने के बाद इसकी भी केट लूट लेता हूँ और यहाँ पर 96 टोकन हो चुके थे मेरे पे। उसके बाद जो डासे वाला बंदा भी यहाँ पर मरा था उसकी केट लूटने के बाद अच्छे खासे टोकन होने के बाद टोटल 100 टोकन हो चुके थे। और तो यहाँ पर फ्लेयर मंगाता हूँ क्योंकि लास्ट में मुझे यहाँ पर BIDM यूज़ करनी थी। पर यहाँ पर BIDM तो यूज़ करनी ही थी, पर यहाँ पर कुछ अलग ही सीन होता है। मतलब मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरे गेम में यहाँ पर चीटर आ रखा है। वो क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि तुम अभी यहाँ पर लॉबी देख लो, 31 बंदे जिंदा है और वो बंदा इतना ज़्यादा मतलब नूबड़ा साला, क्या बोलूँ भाई। अब यहाँ पर मैं काफ़ी देर तक होल्ड करता हूँ एंड फ्लेयर चलाता हूँ और फ्लेयर चलाने के बाद अपने ऐसे पड़ोस में आता हूँ। उसके बाद यहाँ पर काफ़ी देर तक मैं होल्ड करता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर अपना BIDM का वेट करना था। जैसे मुझे BIDM दिखती है मैं यहाँ पर BIDM देख के जैसे ही निकल रहा होता हूँ। अब ये बंदा यहाँ से कब आ जाता है कुछ आइडिया नहीं था मेरे को, बिल्कुल साउंड तक नहीं आता है। आगे जाके कहीं बकास पर लेट चुका था। इस बंदे को मारने के बाद जैसे मैं यहाँ पर निकल रहा होता हूँ मेरे को राइट में कूप दिखती है, मुझे लगा इस बंदे को मतलब एग्जिट करके मारा जाएगा, पर नहीं, लेफ्ट में एक बंदा और स्प्रे दे रहा था जो कि M4 का। तो लौंडे को टाइमिंग देख रहे हो, मतलब 1-2 सेकंड का फर्क था, अगर ये हटता नहीं तो आराम से इसको बंदे को मैं BIDM से कुचल देता। अब यहाँ पर इन बंदों को मारने के बाद इन बंदों ने जो बदवा मेरे को दी है ना, मतलब मैं BIDM लेके जैसे निकल रहा होता हूँ तभी यहाँ पर चीटर यहाँ पर मेरा वेट कर रहा था और BIDM के अंदर मेरे को मार देता है, वो सीन देखो भाई। मतलब देखो भाई BIDM भी कोई मतलब की नहीं है चीटर के सामने। अब यहाँ पर ये गेम तो भाई आपको अच्छा लगा होगा मुझे पक्का पता है, जो भी कुछ थोड़ा बहुत यहाँ पर मेरे को प्लस भी मिल जाता है। अब यहाँ पर दूसरा गेम प्ले भी होने वाला है वो भी मस्त होने वाला है। मैं बस बग्घी लेके यहाँ पर लूट बूट लेके मिल्टा पावर में लूट करने के बाद अपना बग्घी लेके यहाँ से निकल जाता हूँ। एक बॉर्ड मुझे मिल चुका था क्योंकि यहाँ पर 48 वही बंदे अलाइव थे, मुझे यहाँ पर रस खेलना था। मुझे पता है अगर मैं मर भी जाऊँगा तो ज़्यादा मुझे माइनस भी नहीं लगने वाला है, ठीक है। तो बग्घी लेके जैसे मिल्टा में निकल रहा होता हूँ तो मुझे राइट में एक AKM का स्प्रे आता है। और यहाँ पर भी इस बंदे को यहाँ पर मारने के बाद यहाँ वेट करता हूँ हेल्थ वेल्थ लगाने के बाद और अपना क्रेट वेट लूटने के बाद यहाँ से निकल जाता हूँ। बग्घी की लेके यहाँ से लूट वूट लेके निकल जाता हूँ और यहाँ पर बहुत ही तगड़ा सीन होने वाला है, वो देखना मत भूलना, पहले ही बोल रहा हूँ, मतलब तुम शौक हो जाओगे। अब मैं बग्घी लेके यहाँ से नहीं निकल रहा तो मुझे लेफ्ट में देखते जो कि बग्घी मुझे लगा यहाँ पर कोई बंदा लेटा होगा, पर यहाँ पर कोई भी नहीं होता है। जैसे मैं अपना बग्घी आगे ले जाता हूँ अभी एक बंदा भाई क्या खतरनाक जो डैमेज देता है ना भाई, बहुत गंदा डैमेज देता है। मैं यहाँ तुरंत हेल्थ मारता हूँ और हेल्थ मारने के बाद अच्छा टाइमिंग देखता हूँ, बंदा क्लोज ही नहीं कर रहा, मैं यहाँ पर बूस्ट भी कर लेता हूँ और बूस्ट करने के बाद इस बंदे को मैं देखने लगता हूँ। यहाँ पर मैं इस बंदे पर जैसे ही नेड करने का ट्राई करता हूँ तभी मुझे पीछे से भाई फायरिंग आता जो कि भाई मेरे पे स्प्रे ले रहा था, तो मैंने सोचा इस बंदे पे पहले मैं क्लोजिंग कर देता हूँ। जैसे मैं इस बंदे को यहाँ पर डैमेज देता हूँ ना, मैं इस बंदे पर तुरंत मौली करता हूँ और वो मौली भाई मेरे को लग जाती है और मौली पे लगने के बाद तुम ये देखो
यार कसम से भाई, अगर वो बंदा मेरे को इजी स्पॉट कर लेता ना तो मुझे को इजी मार देता, अगर साउंड भी अच्छा सुनता। अब यहाँ पर मैं हेल्थ लेता हूँ, हेल्थ लेने के बाद जो बंदा मेरे को पीछे से मार रहा था ना उसको यहाँ पर मैं स्पॉट करने लगता हूँ। तभी मेरे को यहाँ पर हल्का सा साउंड आता है कि वो बंदा यहाँ पर कार लेकर निकल रहा है। मुझे लगा भाई मेरी साइड नहीं निकलेगा, पर ये बंदा भाई रोड से निकल रहा था। अब ये गलती आप कभी मत करना, ये बंदा इस गलती ने बंदे ने गलती यहाँ पर की है। मैं तुरंत बाहर निकलता हूँ, इस बंदे को भी इजी भर देते। अब इसने अच्छा खासा ट्राई किया था भाई मेरे को कुचलने का, पर मैं तुरंत टाइमिंग देख के यहाँ पर हट गया। उसके सामने एक और बंदा स्पॉट होता है, इस बंदे को भी यहाँ मारने के बाद अच्छी खासी लूट हो गई थी, 5 किलो हो गए थे और यहाँ पर अच्छे खासे टोकन भी मेरे पे हो चुके थे। अब यहाँ पर मैं थोड़ा लूट सबका लूट करता हूँ और लूट करने के बाद यहाँ पर अपना बग्गी बग्गी लेके यहाँ से निकल जाता हूँ। अब जब मैं बग्गी लेके यहाँ से निकल रहा था शॉप पे, क्योंकि तुम जो तुम सोच नहीं सकते थे सीन क्या था। जैसे बग्गी लेके निकला तभी सामने एक बंदा आया। अब भाई अंदर से इतना लालच आया कि शायद एक और किल मिल जाए तो मजे आ जाएगा। तभी ये बंदा ना अंदर मेरे से फाइट ही लेने आया था। मैं तुरंत इस बंदे पे पहले मौली करता हूँ और मौली करने के बाद फॉल बैक कर लेता हूँ और यहाँ पर इस बंदे पे आप नेट करने का ट्राई करता हूँ। और यहाँ पर इस भाई को नेट से क्या एक खतरनाक मैं मारा हूँ ना। अब यहाँ पर इस बंदे को मारने के बाद बग्गी लेके अब मैं यहाँ पर सीधे शॉप पे निकलता हूँ, क्योंकि इस बंदे को लूटने के बाद अच्छी खासी मेरी यहाँ पर लूट भी हो चुकी थी और टोकन मेरे 100 हो चुके थे। अब बग्गी लेके मैं शॉप पे निकलता हूँ। अब तुम बस नोटिस करना कि इस बंदे को मैंने कितना मारा। मतलब भाई बंदे को इतना ज्यादा मारने के बाद बंदा मरा नहीं, तो मुझे लगा हो सकता है भाई अच्छा खासा बंदा खेल रहा होगा, तो मैं इस बंदे को स्पेटेड करता हूँ, मतलब अपना डेथ रिप्ले देखता हूँ। अभी तुम ये सीन देखो, बंदे की एचपी कितनी है। यहाँ पर ही बंदा हील बेटल कर रहा था, बैंडेज पे बैंडेज लगा रहा था। उसी टाइम पे मैं यहाँ पर आया और इस बंदे को जब मैं डेथ रिप्ले देख रहा था तो जब मैं इसमें यह दिखा रहा था कि मैंने इस बंदे को एक भी गोली टच ही नहीं कर पाया, वो तुम देखो। अभी गिलिच है क्या है ये देख रहे हो भाई, मतलब कुछ भी यार क्या ही बोलूं। अब वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना गाइस। चलता हूँ, मिलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में।